सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। अफगानिस्तान के बारे में लगातार मैं आपको अपडेट दे रहा हूं। हालांकि अफगानिस्तान में मेरे मामू नहीं रहते हैं। लोग सोचते हैं, अंधभक्त सोचते हैं, ये क्या सीरिया इजराइल और ये दिखाता रहता है, देश में रहता है और विदेशों की बात करता है। अच्छा, जब मैं मोदी जी के बारे में, भाजपा के बारे में, आरएसएस के बारे में सारे पोल पट्टी खोलता हूँ तो हमारा मोदी जी कल आप बोल रहा है देशद्रोही। मतलब इनको ना इधर सुकून है, इधर बैठते हैं तो इनके पिछवाड़े में यहाँ सुई घुस जाती है, इधर बैठते हैं तो यहाँ चाकू घुस जाता है। मतलब करें तो क्या करें, इनकी तरह दो दो रुपये में ट्वीट करें, 50 पैसे में रिट्वीट करें, ये सोचते हैं इनकी आर्मी में शामिल हो जाए हैं, अंधभक्त आर्मी में। जूता उठा के पीटेंगे, देश का माहौल खराब कर रहे हो, देश को तोड़ने वाले तुम हो, तुम्हारे बाप हैं और कोई नहीं है, समझे? वरना अच्छा सोच के देखो भैया, हजारों सालों से यहां पर पता नहीं भारत में कौन आए, मुगल आए मुगल चले गए, बादशाहत आई बादशाहत खत्म हो गई, पता नहीं कौन कौन आए, मुस्लिमों का राज रहा खत्म, तब भी तब से लेकर अंग्रेजों के जमाने तक हिंदू खतरे में नहीं था। हिंदू खतरे में आया है 2014 के बाद, तो पता ये चला कि हिंदू खतरे में आया है भाजपा के बाद। तो हिंदू को जो खतरा है वो दूसरों से नहीं, भाजपा से है। खुद ही थप्पड़ जाती है हिंदुओं को पटाख से, फिर दूसरे गाल पकड़ती है, अरे मेरा बच्चा देखा ये जो है ऐसे करते हैं, तो पटाख से फिर मारते हैं, खुद ही हिंदुओं को मारते हैं, फिर दूसरे गाल पे चुम्मा लेते हैं, अरे मेरा लाल, अरे मेरा बच्चा देखो तुम्हारे साथ ये ऐसे कर रहे हैं, कठुए इनको मारो, ये देश को खतरा है, भारत को खतरा है, हिंदुत्व खतरा है। मतलब हिंदू कभी खतरे में नहीं था। अब मजे की बात ये है, बच्चों को बताने के लिए क्लियर कर दूं आसान जबान में कि भारत में जो समझ लीजिए पॉपुलेशन में लोग हैं, टोटल लोग मान लीजिए 10 हैं, ठीक है। अब 10 में से 8 हैं हिंदू हमारे भाई और 2 हैं मुसलमान, तो भाजपा के हिसाब से 8 लोगों को 2 लोगों से खतरा है। रे बाप रे बाप, तो मतलब पूरा प्रोपगंडा ये समझ में आई बात, ये देश को तोड़ने वाले यही हैं, भारत को कमजोर करने वाले यही हैं। जहां भारतीयों को मिलकर रहना चाहिए, प्रेम से मिलना चाहिए, एक दूसरे के धर्म का मजहब का सम्मान करना चाहिए, भाजपाइयों को नहीं पसंद है ना, बिल्कुल नहीं। वरना यकीन नहीं है तो मेरे इंस्टाग्राम पे आओ, ऐसे ऐसे सबूत दूंगा दिमाग चकरा जाएगा। दोस्तों, पाकिस्तान ने झटका दे दिया है, मतलब बात कहाँ थी कहाँ चलेगी, लेकिन मन की बात भी हमें करनी पड़ेगी क्योंकि मोदी जी तो हम हैं नहीं, लेकिन मोदी जी से कुछ तो सीखेंगे ना, मन की बात तो हम भी कर सकते हैं, बिकॉज ये मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो कुछ तो सीखेंगे। अब भले ही इतना नहीं सीखना है कि नाले में से गैस निकालना सीख लें, हवा में से ऑक्सीजन अलग करना सीख लें, लेकिन कम से कम मन की बात तो कहना सीख लेंगे। हाँ तो दोस्तों, मन की बात मैंने आपसे कर ली है, अब आते हैं खबर पर। अफगानिस्तान का सारा अपडेट आपको मैं दे रहा हूं। अफगानिस्तान में लगभग 80 गांव प्रांत छोटे बड़े इलाके में पूरी तरह से टोटल रिपोर्ट जब तक कब्जा कर लिया है तालिबान ने। अब तालिबान तेजी से बढ़ता जा रहा है, कई बॉर्डर्स पर, तजाकिस्तान के पूरे बॉर्डर पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। 10,000 से ज्यादा अफगानी लोगों ने अपने घरों को छोड़ के पलायन कर लिया है, छोड़ गए, चले गए हैं कि भैया हमें नहीं लड़ना, हमें नहीं मरना है। ऐसे में ये क्लियर है कि तालिबान बहुत जल्द पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेगा। ये भी रिपोर्ट मैं बता चुका हूं विद प्रूफ कल की रिपोर्ट में, और ये नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया, एक ही नाम ले लेता हूं चलिए, बीबीसी ने क्लियर क्लियर छाप दिया था कि भैया भारतीय अधिकारियों ने कतर में तालिबान के नेताओं से मुलाकात करी। तो दोस्तों, एक तरफ से मुसलमानों को ये भाजपाई तालिबानी पाकिस्तानी कहते हैं और इन्हीं के लिंक निकलते हैं सारे, तालिबानी भी यही निकलते हैं और पाकिस्तानी भी यही निकलते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये सारी बात मैं जेन्युइन फैक्ट के साथ बोल रहा हूं, साइबर सेल वाले अंकल सही से करना चेक, प्रूफ के साथ बात करते हैं हम, बिना प्रूफ के रजाग्राफी बात नहीं करता। सुनिए, मोदी जी के पास डिग्री हो या ना हो, हमारे पास पूरी डिग्रियां हैं, एकदम जर्नलिज्म की पूरी पूरी डिग्री, डिप्लोमा डिग्री मास्टर सब करे हैं, समझे? ये देखिए, हाँ थोड़ी सी चढ़ा ले, पढ़ा लिखा आदमी ताव नहीं देगा तो फिर कौन देगा। चलिए खबर पे आते हैं दोस्तों। अब मामला ऐसा है कि ये इमरान खान साहब ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है।
इमरान अब यहाँ पर रोक के, मुझे भी ये लग रहा था कि पाकिस्तान तालिबान को फुल सपोर्ट करेगा, पाकिस्तान तालिबान को इतना सपोर्ट करेगा कि मतलब मुझे ये लग रहा था, मैं खुद गलत फहमी में था कि इमरान खान खुद ही चाहते हैं कि तालिबान का राज अफगानिस्तान में आ जाए, लेकिन मेरे ख्वाब को तोड़ दिया, मेरे जज्बात को पलट दिया, मेरे मतलब क्या ही कहूँ, क्या क्या कर दिया है। इमरान खान ने बयान ये दिया है कि अगर तालिबान का कब्जा पूरी तरह से, तालिबान का शासन आ जाता है, तालिबान की सरकार अगर अफगानिस्तान में आ जाती है तो वो अपने बॉर्डर्स को, पाकिस्तान के बॉर्डर्स को पूरी तरह से सील कर देंगे और ताल्लुकात बिल्कुल खत्म कर देंगे। इमरान खान ने क्लियर कह दिया है कि इनके आने से, तालिबान के आने से हिंसा, वायलेंस, टेररिज्म बढ़ सकता है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा है कि तालिबान के आने से हिंसा बढ़ सकती है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने आगे ये भी बोला है कि डेट करीब आ रही है जिस डेट पर अमरीका को अफगानिस्तान को छोड़ना है, इसी वक्त जो है तालिबान पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर सकता है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि तालिबान के आने से, यानी तालिबान की सरकार अफगानिस्तान में आने से हमारे देश में, यानी पाकिस्तान में रेफ्यूजीज आएंगे। हमारे पाकिस्तान में ऑलरेडी 35 लाख से ज्यादा रेफ्यूजीज मौजूद हैं अफगानिस्तान के, यहाँ अफगानिस्तान के 35 लाख रेफ्यूजीज ऑलरेडी पाकिस्तान में मौजूद हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा हम लोगों को जगह नहीं दे सकते, हमें अपने देश को भी और अपने देश के लोगों को भी देखना है। यानी क्लियर कट, अफगानिस्तान के लोगों को भी झटका है और तालिबान के लोगों को भी जोरदार झटका है। शाह महमूद कुरैशी ने आगे ये कहा है कि इन सब के बावजूद हम शांति के लिए बातचीत करने की जितनी मीटिंग्स होंगी हम उसमें शामिल होंगे और बातचीत के जरिए मामले को हल करने के लिए हम हमेशा खड़े रहेंगे। रिपोर्ट के अनुसार 2001 से पहले तक तालिबान का पूरा राज चलता था, यानी शासन चलता था अफगानिस्तान में, लेकिन जब 2001 के बाद अमेरिका वहां पहुंचता है तो पूरी तरह से अफगानिस्तान की सरकार बना दी जाती है और अब फिर से अमेरिका के वहां निकलते निकलते तालिबान वहां पर हावी होता जा रहा है। दोस्तों दूसरी तरफ एनाडोलू तुर्की की न्यूज एजेंसी ने यह अपडेट दिया है कि पिछले 48 घंटे में अफगानिस्तान की सरकार ने बताया है कि लगभग 200 तालिबानी मारे गए हैं। लेकिन दोस्तों 100 की सीधी आपको ग्राउंड की रिपोर्ट दे दूं कि तालिबान बहुत तेजी से कई जगहों पर आगे बढ़ता जा रहा है और पूरी तरह से अफगानिस्तान पर कब्जा करने की राह पर आगे बढ़ रहा है। दोस्तों द लॉन्ग वॉर जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में लगभग 398 टोटल 398 जिले यानी प्रांत हैं, जिनमें से 92 डिस्ट्रिक्ट पूरी तरह से तालिबान के अंडर जा चुके हैं और 107 अफगानिस्तान की सरकार के अंडर है और 199 डिस्ट्रिक्ट में जबरदस्त घमासान जंग चल रही है। दोस्तों आपको बता दूं काबुल में 5 दिन से काबुल में पूरी तरह से बत्ती गुल है, लाइट गायब है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? सबसे बड़ी अपडेट आपको अफगानिस्तान की मैंने दे दी है। उम्मीद करता हूं अपनी राय कमेंट में जरूर लिखेंगे। लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मैं हूं रजा, आप देख रहे थे रजा ग्राफी। जय हिंद।